नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ चिड़िया की बच्ची इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 7 बसंत के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 7 बसंत का टेस्ट बुक का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेस्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले क्लास सेवन आप लोगों का बहुत सारा चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को चिड़िया की बच्ची का समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इनके राइटर लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो इस पाठ में देखते हैं कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि माधव दास और उसके ठाठ बाट का इसमें वर्णन कर रहे हैं कि माधव दास कैसे थे और किस तरह का जिंदगी था उसका। तो माधव दास एक बड़ा व्यापारी हैं, उसके पास अपार धन दौलत है, संगमरमर से बनी नई कोठी, उसके सामने सुहावना बगीचा, फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारे सब आकर्षित करने वाले हैं। वह कला का प्रेमी है, किसी प्रकार की कोई बुरी लत उसे नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार की बुरी लत का मतलब कोई भी जैसे शराब वगैरह या तंबाकू वगैरह नहीं खाते हैं। इतना सब कुछ होने पर भी उसके जीवन में खालीपन है, मतलब उनका जीवन कुछ उदास भरा है क्योंकि वह अकेला रहता था। अब माधव दास के बगीचे में सुंदर चिड़िया का आना क्या होता है। एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधे की टहनी पर सहसा एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, वह इधर उधर फुदक रही थी, नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत प्यारी लगी, वे उसे कहने लगे, चिड़िया यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आना, मतलब तुम रोक टोक के ही भी तुम यहाँ आ सकती हो, यहाँ तुम्हें कोई भी रोक टोक नहीं है, मतलब तुम यहाँ आ सकती हो, कोई परेशानी नहीं है। चिड़िया का भयभीत होना, चिड़िया भयभीत हो गई, वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। माधव दास का चिड़िया को प्रलोभन देना। माधव दास का मन चाहता है कि चिड़िया अब उसके पास रह जाए, उसके सुने महल में चहचहाहट करे। वह कहता है कि देखो कैसी सुंदर बहार है, पानी खेल रहा है, गुलाब के फूल खिले हैं, महल में भी एक एक चीज है, मैं तुम्हारा सोने का एक सुंदर घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर भी उसमें लटकाऊंगा, तुम यहाँ खुश रहोगी, मेरे पास बहुत धन दौलत है, तुम्हारा पिंजरा ऐसा होगा जैसा पूरी दुनिया में ना हो, पानी पीने की कटोरी भी सोने की ही होगी, मेरे पास सब बहुत कोठियाँ हैं, बच्चे हैं वह दास दासियां, बगीचे हैं वह दास दासियां हैं, तुम बहुत प्रसन्न रहोगी। चिड़िया का माँ के पास जाने का आग्रह करना। सांझ होने पर चिड़िया माँ के पास वापस जाना चाहती है। वह सेठ को साफ साफ कहती है, मैं भटककर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत सी सुनहरी धूप बिखरी है, दो दाने माँ ला देती है और क्या चाहिए, तुम मुझे कुछ और मत समझो, मैं तो अपनी माँ की हूँ। माधव दास चिड़िया को कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, तो वह जवाब देती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। यानी चिड़िया जहाँ जहाँ जाती है धूप में सूरज वहाँ देखती है, तो यह सब बात बता रही है। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती।
चिड़िया को शब्द जाल में फंसाना। माधव दास किसी भी तरह से चिड़िया को अपने पास रखना चाहता है। वह बार बार कहता है कि मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। माधव दास उसे बातों में उलझाता रहता है। वह उसे कहता है कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अपने पास के फूलों को देख, तू कितनी सुंदर है। माँ के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। मैं तुझे सोने में मरकर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। लेकिन चिड़िया जाने की जिद करती है। माधव दास का नौकर को इशारा। अचानक ही माधव दास एक बटन दबाता है, जिससे दूर कोठी के अंदर आवाज हुई। झट से एक नौकर भागकर आया। माधव दास ने उस नौकर को इशारा किया। वह अब चिड़िया को पकड़ने का यत्न करने लगा। माधव दास ने चिड़िया को बातों में उलझाए रखना चाहा। वह कहता रहा, तुम कितने भाई बहन हो, अभी उजाला है, तुम मुझसे डरो मत। लेकिन चिड़िया तो केवल जाने के ही रट लगाए थी। चिड़िया का उड़ना। अचानक चिड़िया को ऐसा प्रतीत हुआ कि एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है, क्योंकि कोई उसे पकड़ने के लिए गया था। वह चीख मार कर चहचहाई और फुर से उड़ गई। वह निरंतर एक सांस में उड़ती रही। उसने माँ की गोद में जाकर ही दम लिया। वह माँ की छाती से छिपक कर सोई, जैसे अब पलक ही ना खोलेगी, क्योंकि वह चिड़िया की बच्ची बहुत डर गई थी। तो इस पाठ में यही दिया गया है बच्चों। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और आगे मैं फिर मिलूँगी नए पाठ के साथ। धन्यवाद बच्चों।